हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कमिंग टीचिंग वैकेंसीज के बारे में, टीचर वैकेंसीज के बारे में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कौन कौन सी शिक्षक भर्तियां आने वाली हैं जिसमें आपको मौका मिलने वाला है, और यहां पर बात करेंगे सीटेट दिसंबर 2023 की। मैं सीटेट दिसंबर 2023 के लिए बार बार जो है इस पे जोर दे रहा हूं, और मैं बार बार ये चाहता हूं, आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि आपका इस बार जो है सीटेट दिसंबर 2023 निकल जाए। और मैं आपसे बार बार हर लाइव क्लास में यही कह रहा हूँ कि इस बार थोड़ा सा सीरियस रहो और सीटेट दिसंबर 2023 जरूर निकालना है। उसके लिए मैं पूरी कोशिश आप लोगों के साथ कर रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अगर किसी वजह से ये आपका सीटेट नहीं निकला ना, तो आपके हाथ से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म हो जाएंगी और आप सालों तक रोते रहेंगे। फिर आपको बहुत इंतजार करना पड़ेगा, बहुत दुख झेलना पड़ेगा। इसलिए ये वाला सीटेट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब मैं बात करूं यहाँ पर अपकमिंग वैकेंसीज के बारे में, तो देखो यहाँ पर जो आपकी टीचर वैकेंसीज आने वाली है, अगर ये सीटेट दिसंबर 2023 आपका पास हो जाता है तो आपको कितने चांसेस मिलने वाले हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले नंबर पे केवीएस रखा है। केवीएस के फॉर्म आपके जनवरी फरवरी के आस पास ही आपको देखने को मिल जाएंगे। दिसंबर में आपका सीटेट का एग्जाम होगा, जैसे ही उसका रिजल्ट आएगा तुरंत आपको मौका मिलने वाला है। केवीएस में पीआरटी टीजीटी पीजीटी टोटल वैकेंसीज आती हैं हर साल, और कभी कभी होता है कि एक दो साल का गैप हो जाता है, लेकिन इस बार आने की पूरी पूरी उम्मीद है कि आपका जो है जनवरी या फरवरी में जो है आपकी वैकेंसीज आपकी आने वाली है केवीएस की। तो इसके लिए आप बिल्कुल रेडी रहो, पीआरटी में वैकेंसीज आएंगी, उसमें सीटेट आपका कंपलसरी होता है, सीटेट के बिना आप उसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको इसके लिए तैयार रहना है। दूसरी बात करें डीएसएसबी की, वैकेंसीज भी आपकी जो है बिल्कुल, ये 2023 पूरा निकल चुका है, इसकी अपडेट्स बनते बनते आपने सुना भी खुद भी होगा, तो ये जो चर्चाओं में चल रहा है इसकी कोई वजह है, क्योंकि डीएसएसबी देने वाला है वैकेंसी बहुत जल्द। क्योंकि अभी इसलिए नहीं दी थी क्योंकि अभी जो है टीजीटी और पीजीटी में स्पेशल एजुकेटर्स की वैकेंसीज आई थी, उनके एग्जाम वगैरह हुए हैं और भी एग्जाम हुए हैं डीएसएसबी के, लेकिन अभी जैसे ही उसका फाइनल होगा तुरंत आपका पीआरटी की वैकेंसीज आएंगी, डीएसएसबी में जनरल की भी और स्पेशल की भी। यहाँ पर दो तरह की वैकेंसीज आने वाली है, जनरल प्लस स्पेशल। तो जिन लोगों ने स्पेशल कर रखा है, स्पेशल डिप्लोमा कर रखा है, किसी भी चाहे आपने वीआई से करा हो या आईडी से किया हो, तो आपको चांस मिलने वाला है, यहाँ पर आप जो है बिल्कुल तैयार हो जाओ। उसके अलावा अभी स्पेशल की कुछ वैकेंसीज निकल चुकी हैं पहले ही, वो तो अब आपके हाथ से गई क्योंकि आपका तो सीटेट पास नहीं था। अब आपको सीटेट पास करके बिल्कुल तैयार रहना है। जनरल में काफी अच्छी वैकेंसीज इस बार डीएसएसबी में आपको देखने को मिलेगी, इसलिए इसको मिस नहीं करना, इसकी तैयारी भी सीरियस होकर करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका डीएसएसबी का थोड़ी सी मेरिट हाई रहती है बाकी एग्जामों से, इसमें थोड़े से जो है आपको अच्छे लेवल पे तैयारी करनी पड़ती है। उसके अलावा बिहार के बारे में तो आप सब लोग जागरूक हैं, सबको पता ही है, बिहार में आपका जो है सेवन फेज का सेकेंड पार्ट आपका आने वाला है, यानी कि एक बार तो आपकी वैकेंसी आ चुकी है, उसकी जो प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में मैंने वीडियो अभी दो तीन दिन पहले बनाई थी कि कितनी बची है वैकेंसीज, वो आप देख सकते हैं। इसमें आपका जो है बहुत सारे बच्चे इस बार जो है इस वाले एग्जाम में ऐसा हुआ है उनके साथ कि उनका जो एग्जाम था वो तो पास हो गया, लेकिन सीटेट में पास नहीं थे तो उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई है। कहीं आपके साथ ऐसा ना हो कि आपका जो है, क्योंकि मैं आपको बता दूं सीटेट दिसंबर 2023 पास कर लो, ये पास करना बहुत आसान हो जाएगा, ये बहुत बड़ी चीज नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसकी मेरिट जो है वो बहुत हाई नहीं जाएगी। और इसकी जो भी चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगा, कौन कौन से सब्जेक्ट कहाँ से आ रहे हैं, कितनी चीज आ रहे हैं, तो ये तो निकल जाएगा आपका आसानी से। इस बार भी बहुत सारे बच्चे निकल गए बिहार में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका ये तो एग्जाम निकल गया लेकिन सीटेट पास नहीं था। तो अगर आपकी इसकी वैकेंसी की बात करें कि ये कब आएगी, तो ये आपकी जो है अभी तो इस ईयर में ही, मतलब 2023 में ही आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। एग्जाम भले ही आपका जनवरी या फरवरी में हो, नोटिफिकेशन आपका 2023 में ही आ जाएगा और आप फॉर्म भर पाएंगे उसमें, क्योंकि ये अपीयरिंग वालों को ले रहा है। अगर आपने सीटेट का फॉर्म भर दिया, यहाँ पे अपीयरिंग डाल दिया आपने, तो आप फॉर्म भर पाएंगे, एग्जाम भी दे पाएंगे, इसके एग्जाम और इसके रिजल्ट से पहले पहले आपका सीटेट का रिजल्ट भी आ जाएगा, तो आपका बिल्कुल जो है एकदम से ज्वाइनिंग हो जाएगी। लेकिन अगर इसमें आपने भर भी दिया और पास भी कर लिया और सीटेट नहीं निकला किसी वजह से, तो फिर आप बाहर रह जाएंगे। तो इसलिए सीटेट बहुत जरूरी है, यहाँ पे निकाल के रखो। उसके अलावा यूपी में भी आपकी वैकेंसीज आएंगी बिल्कुल, क्योंकि पूरे जगह माहौल चल रहा है, तो यूपी वाले शांत नहीं बैठेंगे, पूरी पूरी उम्मीद है। और वैसे भी पिछले 5 सालों से यूपी में कोई वैकेंसी नहीं आई है,
तो इस बार लगभग 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी आपकी यूपी में आएंगी, तो इसलिए, और बिहार वाले यूपी में भर भी सकते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। और भी स्टेट के मतलब 5% तो बाहर स्टेट के लोगों को लेते ही है, तो भर सकते हैं इसमें, और यूपी वाले तो यहाँ पे जो है उनके लिए तो अच्छा चांस रहेगा। एक होता है आपका AWES होता है, आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन होता है आपका, ये आर्मी स्कूल्स में आपकी वैकेंसी होती है, ठीक है, आर्मी स्कूल में, ये भी हर साल आपका एग्जाम कराता है, इसका भी आपको जो है इसमें मौका मिल सकता है। इसमें आई थिंक नेक्स्ट 2024 में इसकी वैकेंसीज आएंगी, मार्च अप्रैल के आसपास आ सकती हैं इसकी वैकेंसीज, तो इसमें भी आपको चांस मिलेगा, ये वाला सीटेट पास रखो, क्योंकि फिर नेक्स्ट तो आपका जुलाई में होगा 2024 में सीटेट, तो उससे पहले पहले सारी चीजें निकल जाएंगी आपकी, सारी वैकेंसीज उससे पहले की है ये, उससे पहले पहले आपकी सारी वैकेंसीज निकल जाएंगी आपके हाथ से, इसलिए अगर आप ये छूट गए जुलाई वाले पे आप डिपेंड रहोगे तो एक भी वैकेंसी आपके हाथ में नहीं आएगी। उसके अलावा जो छोटे मोटे आपके स्टेट लेवल पे जो वैकेंसीज आती हैं उनकी हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, वो तो स्टेट में आप खुद भी देख सकते हैं, जैसे इस टाइम पे चंडीगढ़ में आई हुई है वैकेंसी स्पेशल एजुकेटर की आई हुई है, तो इस तरह की आती रहती है अलग अलग स्टेट्स में, तो वहां पे अगर आप अदर स्टेट में जाना चाहते हैं तो भर पाएंगे, और नहीं जाना चाहते तो अपने स्टेट में या DSSB KVS में आप जो है चांस ले सकते हैं। लेकिन इस बार आपके पास मौका बहुत तगड़ा है, इसलिए मैं कह रहा हूं थंबनेल पे मैंने लिखा था कि थोड़ा सा सीरियस हो जाओ, ज्यादा टाइम की बात नहीं है, 6 महीने सीरियस हो जाओ, आपका जीवन सफल हो जाएगा, वरना वही चीज रह जाएगी कि अभी मजे करोगे तो बुढ़ापे तक तकलीफ झेलनी पड़ेगी, अभी थोड़ी सी तकलीफ झेल लो, थोड़ी सी मेहनत कर लो, बुढ़ापे तक मजे करोगे, समझ में आ रही है ये बात, ये हमेशा से यही चीज है, अभी का 1 साल थोड़ा सा सीरियस रह लो, 1 साल के अंदर अंदर सारी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी और उसके बाद में आपके मजे मजे हैं, तो थोड़ा सा अभी ध्यान दे लो। अब मैं बात करूं कि सीटेट दिसंबर 2023 की क्लासेस आपकी चल रही है, सारी चीजें आपकी चल रही है, नोट्स भी आपको रोज प्रोवाइड करा रहे हैं सब लोग, जितने भी लोगों के आते हैं मैसेज में आपको दे रही दिए हैं नोट्स, यहां से आप ले सकते हैं, मैंने आपको नोट्स जो है पूरा आपको क्लास में यहीं पे एक वीडियो में मैंने मैच करके दिखाए थे, अभी का जो सीटेट का प्रीवियस पेपर था 2023 अगस्त वाला, उससे मैंने मैच करके नोट्स आपको दिखाए थे, बिल्कुल लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस मैच हो रहे हैं, पूरा का पूरा पेपर नोट्स के अंदर से ही आया हुआ है, तो इसलिए आप क्लासेस करो और सीटेट के नोट्स पढ़ो, और जो बातें मैं बता रहा हूं यहाँ पे उसको फॉलो करते रहो, कई बार गाइडेंस की कमी हो जाती है, हम पढ़ाई अच्छी कर लेते हैं, इसलिए मैं कहता हूं कि जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोस बनाता हूं कि आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, किन बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी चीजें करनी है, वो फॉलो करते रहो सारी चीजें, और लाइव क्लास भी करते रहो, नोट्स ले लो सबके सब, सीटेट की तैयारी करो एकदम बेहतरीन करके, इस बार मैं आपको बिल्कुल मैंडेट कर रहा हूं, पहले तो मैं कहता था कि नोट्स आपकी इच्छा है लो या मत लो, आपकी इच्छा है, लेकिन इस बार मैं आपके लिए मैंडेटरी कर रहा हूं, नोट्स पढ़ना कंपलसरी है इस बार आप लोगों के लिए, क्योंकि ये सीटेट पास होना जरूरी है आप लोगों का, बिल्कुल पास होना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों से मेरा नाम भी जुड़ा है भाई, आप पास हो गए तो खुशी मुझे आपसे ज्यादा होगी, ठीक है, तो यहाँ पे आप या तो आप मैसेज कर देना नोट्स के लिए, या फिर ऐप डाउनलोड कर लेना, ऐप का नाम भी सेम चैनल के नाम से है SA टीचर अकेडमी, ऐप डाउनलोड करोगे वहां पे भी नोट्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज भी मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, इसलिए मैं कुछ एक्स्ट्रा भी कर रहा हूँ, ऐप पे ही आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, वहां पे प्रैक्टिस बहुत अच्छी करोगे आप लोग, डेली 2 घंटे प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज आ जाएगी, तो आपका सीटेट इस बार 100% निकलेगा, और टारगेट भी अच्छा रखेंगे, 100 से प्लस ही लेके जाएंगे नॉर्मल एवरेज, और जो और अच्छी तैयारी करेंगे तो 130 तक रिजल्ट लेके जाएंगे, ठीक है, तो ये सारी चीजें मैंने बता दी है, फर्स्ट पेपर के सेकंड पेपर के लिख के भेजना जब करोगे कि कौन से नोट्स चाहिए आपको, मतलब प्राइमरी के चाहिए या जूनियर के, जूनियर में आपका SST है या साइंस है, मैसेज में लिख देना, उससे आसानी हो जाती है पढ़ने में, तो मैं बार बार अभी भी लास्ट में वीडियो में लास्ट में जाते जाते यही कह रहा हूं, आज से ही अपनी स्टडी स्टार्ट कर दो। देखो काम जिंदगी में सबके रहते हैं, घर के काम भी रहते हैं, मुझे पता है बहुत सारी हाउसवाइफ होंगी, बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती हैं जिनको बाहर जाने का मौका नहीं मिलता, कोचिंग जाने का मौका नहीं मिलता, बहुत सारी दिक्कतें हैं लाइफ में, सबकी लाइफ में होती है। मैं अपनी बात बताऊं तो मैं अगर अपनी कहानी पे बनाने पे आ गया तो आपको रो दोगे, बताऊंगा अगर मैंने खुद अपनी जिंदगी में ऐसी चीजें देखी है ना, इतनी बारीक चीजों से मैं गुजरा हूं, मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं थे, ऐसे टाइम से मैं गुजरा हूं, तो थोड़ी सी मेहनत कर लो, तभी मैंने उस जर्नी को जो है धैर्य से हिम्मत से पार किया है, तो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं यहाँ पर, वरना अगर मैं हार मान जाता उस टाइम पे तो मैं भी भाई कहीं होता ऐसे ही बस बेकार सा, तो आप लोग थोड़ी सी मेहनत कर लो, अपना समय निकालो दिन का, चाहे आपको कम सोना पड़े कोई दिक्कत नहीं है, नींद कम कर लो, थकान लगेगी, सब चीजें लगेंगी, थोड़ी सी तकलीफ होगी, तकलीफें सब खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे आके, सारी नींद पूरी हो जाएगी बाद में आके, लेकिन ये चांस अगर हाथ से निकल जाएगा ये वापस नहीं आएगा, तो थोड़ी सी तकलीफें झेलो, तैयारी करो बढ़िया करके, और कामयाबी हासिल करो, नाम भी होगा, खुशी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी सब जगह, रिश्तेदारों में, घर में, सब जगह, और आपकी जरूरतें भी पूरी होंगी, ठीक है। चलिए लास्ट में
आप लोगों के लिए बेस्ट ऑफ लक, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं किया है तो। चैनल के साथ में बेल आइकन जरूर दबाना, उसके उस पे ऑल वाले पे क्लिक करना बेल आइकन पे, ताकि नोटिफिकेशन आपको अपडेट हैंड टू हैंड मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।